भीख मांग कर लापता बेटी को तलाशने वाली मां से पुलिस ने डीजल भरवाने के नाम पर वसूल लिए 12,000 रुपए। जांच हो रही है शुरू। यूपी के कानपुर में पुलिस को हमेशा ही जाना जाता है, ये मशहूर है, मगर पुलिस ने एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पर बड़े से बड़ा कठोर दिल वाला भी ये नहीं कर सकता। क्या है पूरा मामला जानते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पर। भीख मांग कर गुजारा करने वाली दिव्यांग विधवा बेटी को खोजने के लिए पुलिस ने उसी से 10,000 से 12,000 की वसूली कर डाली। सोमवार को मामला DIG के सामने पहुंचा। DIG ने इस मामले में युवती को बरामद करने के निर्देश दिए और वसूली करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ जाँच बिठा दी। सनीगवा निवासी दिव्यांग विधवा वृद्धा गुड़िया की नाबालिग बेटी एक माह से लापता थी। उसकी चकेरी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज थी। महिला ने दूर के रिश्तेदारों पर बेटी को गायब करने का आरोप लगाया है। उसके बाद जो महिला ने कहा उससे सुनकर DIG समेत सभी लोग दंग रह गए। दरअसल महिला ने बताया कि वह लगातार बेटी को खोजने की गुहार लगा रही थी, मगर अब तक पुलिस ने बेटी को खोजने के नाम पर उससे 12,000 रुपए वसूल लिए। पुलिस वालों ने बेटी को खोजने के लिए गाड़ी में डीजल का खर्चा बताकर उससे वसूली की। पैसे ले लिए। DIG डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि मामले में सर्विलांस और अन्य टीमों को युवतियों को खोजने के लिए लगाया गया है। पुलिस कर्मी पर जो आरोप है उसकी भी जांच हो रही है। तो दोस्तों, इस बारे में आप अपनी राय हमारे साथ जरूर बांटें और शेयर करें। क्या कहेंगे ऐसे पुलिस वालों के लिए। और साथ ही इस तरह की सच्ची खबरों को सबसे पहले देखने के लिए HJ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इन खबरों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। धन्यवाद।